समय कम है, दो बात क्यों ला, मैं तो गोवर्धन रायको हूं, आप सबके आशीर्वाद से माननीय वसुंधरा जी ने एक राज्य मंत्री बनाकर आपके बीच भेजा, वो सब इन गुरुजनों की कृपा से। मैं एक बात जरूर कहूंगा आप सबसे, आपने इतनी देर से कथा सुन रहे हैं और नारद मुनि जी से एक बार किसी ने पूछा कि संतों के दर्शन करने से क्या होता है। नारद मुनि जी विष्णु भगवान के पास गए और उन्हें पूछा कि यहां लोग मुझे पूछ रहे हैं कि संतों के दर्शन करने से क्या होता है, मुझे उसका भाव बताइए, अर्थ बताइए। विष्णु भगवान ने कहा उस फलाने आदमी के घर में एक तोते का बच्चे ने जन्म लिया है, आप वहां पधारो, वो तोते का बच्चा आपको इसका उत्तर दे देगा। नारद मुनि जी पधारे, उस तोते के बच्चे ने देखते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। नारद मुनि जी ने कहा गजब कर दिया, मैं आया और इस बच्चे के प्राण हनन हो गए, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। वो सीधे फिर विष्णु भगवान के पास पहुंचे, अरे के भगवान मने उठे क्यों मिलो, थे जवाब दे दो नी, देखो मारो आगो रोज नी गिरे मिट जा। कि नहीं, आप फलान जी के घर एक घोड़े के बच्चे ने जन्म लिया है, वो बच्चे के आप दर्शन कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। भगवान नारद मुनि जी की बात जी ठीक है, बेटे को तो जाऊं आगो, गया। और जैसे ही घोड़े के बच्चे ने नारद मुनि जी को देखा, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। नारद मुनि जी की ओर गजब कर दिया, वो पाप मारे माते विष्णु भगवान क्यों हाचा दुखी वे ने पाचा। भगवान कने गया और क्यों के यू मती करो, ने अबे थे वह जो थे बता दो। कहा आपको आखिरी बात कहता हूं, फलाने राजा साहब के घर अभी अभी एक बच्चा पैदा हुआ है, आप उनसे मिलिए, वो आपको जवाब दे देगा। नारद मुनि जी गए आगे, राजा साहब का बच्चा जैसे नारद मुनि जी को देखा हंसने लग गया। नारद मुनि जी ने कहा गजब कर दिया, मैं वहां गया था ये बच्चा हंस रहा है। वो बच्चे क्या कहते हैं, नारद मुनि जी आपके संतों के दर्शन करने से मैं तोता की योनि से मुक्त हो गया, और वो घोड़े का बच्चा भी मैं ही था, आपके दर्शन होने से मुझे वो भी योनि से मुक्ति मिल गई, और आज उन दर्शनों के पूर्ण प्रताप से मैं यहां महाराजा के यहां पैदा हुआ हूं। तो ये संतों के दर्शन करने का लाभ होता है। मैं एक बात आपसे निवेदन करूंगा कि इस वक्त मैं बीइंग एज ए पशुपालक मंत्री, गौ माता बहुत दुखी है, और गौ माता को दुखी करने वाले आप और हम सब हैं। जब तक वो दूध देती है, तरी चरी भरी और रसोई में खिसकई और बाड़े ठुड़ी और रह जो उन्हें माते दोन चार दून जा तक जा, वो जाती जाती आगे गौ माता क्या कहलाती है, ये लावारिस है। अरे लावारिस तो वो है जो को उन्हों मालिक चरी भरने उन्हें ठुड़ियों ठोकने बारे काट दी, लावारिस तो वो है। मेरा आप सबसे निवेदन है, और मान्य वसुंधरा जी भी कहती है कि ये जितना घर के अंदर प्लास्टिक आता है, आप और हम सब बाजार से जो भी चीज खरीद के लाते हैं वो सब प्लास्टिक में आती है। आप लोग और हम लोग क्या करते हैं, 5-7 दिन के बाद उसका गुत्था बनाकर रोड के ऊपर फेंक देते हैं, और पता नहीं उस गुत्थे में से प्लास्टिक आने से कितनी गायों की जीवन दान प्राण चले जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मेहरबानी करके जितना भी घर पर प्लास्टिक होता है इकट्ठा होकर वहीं जला दो, हो सकता है आप 100 गौ माता के प्राण बचा सकते हो। को तो ये आप कितने आदमी कर सकते हैं, आज हाथ खड़ा करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये संतों के सामने आपने प्रतिज्ञा की है कि आज के बाद प्लास्टिक की कोई चीज रोड पर नहीं फेंकेंगे। राम जी राम, धन्यवाद जाएंगे।